हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक जबरदस्त एंड 100% हेयर ग्रोथ रेमेडी। बालों में तेल नहीं ये लगाए ना कभी बाल आपके झड़ेंगे, ना होगी डैंड्रफ और ना ही बाल टूटेंगे। बाल होंगे लंबे और चमकदार। तेल की जगह आप इसका इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स, बालों की सारी समस्याएं दूर होंगी और बाल होंगे लंबे, काले, घने और मजबूत। दो मुहे बालों से भी आपको निजात मिलेगा और खास तौर पे जो स्कैल्प में गंजेपन की समस्या आ जाते हैं वो भी दूर होंगे। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें करी पत्ता। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ करी पत्ता लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि हम अगर इसको वॉश नहीं करेंगे तो इसमें धूल जैसे बहुत कुछ लगा होता है जो कि हमारी रेमेडी के लिए अच्छा नहीं है और हमारे स्किन के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या करना है, आपको कुछ करी पत्ता लेना है और हम इसकी पत्तियाँ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, करी पत्ता में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें ऐसे बहुत ही प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ कराने में बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे हेयर ग्रोथ कराने के साथ साथ ये हमारे बालों को काला, घना और मजबूत भी बनाता है और टूटने से भी रोकता है। करी पत्ता में ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे हेयर फॉल की समस्याओं को भी दूर करता है, अगर इसका आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। करी पत्ता तो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं रेड टी, यानी कि आप जैसे यूज़ करते हैं चाय में उसी को आप यूज़ करना है। जैसे आपके किचन में यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी रेड टी लेना है आपको, अलग सा कुछ नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेड टी लिया हुआ है। रेड टी हमारे बालों को कलर करने में हेल्प करता है और हमारे बालों को नरिश करता है, उसमें जो सफ़ेद बाल आ जाते हैं उन सबको ठीक करता है। तो आपको क्या करना है, एक सॉस पैन लेना है, वहाँ पे डालना है आपको एक चम्मच के आसपास, एक चम्मच ही आपको डालना है रेड टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चम्मच डाला हुआ है रेड टी। रेड टी हमारे बालों को कलर करता है, हमारे सफ़ेद बाल जितने आते हैं उन सबको कलर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आपको यहाँ पे 1 ग्लास वाटर ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी। आप किसी भी ब्रांड का ग्रीन टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो भी था मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 1 बैग ऑफ ग्रीन टी इसमें ऐड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही इसको पीसना वीसना कुछ नहीं है। जैसे ही आप बैग से निकालेंगे इसको डाल देना है नेक्स्ट उस सस्पेन में जहाँ पे हमने रेड टी डाला हुआ था, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो ग्रीन टी होता है ये हमारी हेयर के ग्रोथ को कराने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमारी हेयर को लंबे घने बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमारी स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिसकी वजह से हमारी हेयर फॉल की समस्याएँ दूर होती है और हमारे बाल जो वीक हो जाते हैं इसलिए हमारे बाल टूटने लगते हैं और ये हमारे बालों को वीक होने ही नहीं देता। तो हम यहाँ पे हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट नेक्स्ट हम उसी को ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, दूसरा हम जो इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो है मेथी। मेथी यानी कि फेन्युग्रीक, हर किसी को पता ही है। मेथी हमारे बालों के लिए वरदान जैसा है, कई गुणों से भरपूर होता है मेथी, जिसे अब तक अंडररेटेड माना जाता था और इसकी बेहतरीन फ़ायदों के बारे में कम ही लोग जानते थे। हमारी किचन में आसानी से मिलने वाली मेथी बालों के गिरने की समस्या को रोकने के लिए रामबाण साबित है। ये हमारे बालों की समस्या को दूर करता है, साथ ही इससे बालों की ओवरऑल स्थिति भी बेहतर होने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐड करना है 1 चम्मच जितना फेनुग्रीक सीड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे पहले डाला 1 चम्मच रेड टी, देन मैंने यहाँ पे डाला 1 बैग ऑफ ग्रीन टी और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला 1 चम्मच ऑफ फेन्युग्रीक सीड। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह इसको प्रिपेयर करना है। और गाइस, ये जो हम इंग्रेडिएंट सारे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये इतना इफेक्टिव है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों की सारी समस्याओं को दूर करेगा, हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको क्लीन करेगा, हमारे बालों को लंबा, काला, घना, मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे करी पत्ता जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ था। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे करी पत्ता यहाँ पे आपको डाल देना है। करी पत्ता में ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारी बालों की जो शाइन खो जाती है उसको वापस लाने में ये करी पत्ता बहुत ही इफेक्टिव है। हमारे जो दो मुहे बाल होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। और गाइस, ये जो करी पत्ता है ना ये 100% इफेक्टिव है हमारी बालों के लिए। एक बार यूज़ करके देखिए, ये इतना इफेक्टिव है कि आपको
बाहर की सीरम वगैरह या फिर तेल इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस इसको अब हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। आपको 5 से 7 मिनट तक इसको बॉयल करना है, वो भी लो फ्लेम में। आपको बहुत ही हाई फ्लेम में इसको बॉयल नहीं करना है। 5 से 7 मिनट तक इसको आपको लो फ्लेम में बॉयल कर लेना है। और बॉयल होते ही ये क्या होगा ना, यहाँ पे हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है जैसे रेड टी, ग्रीन टी, फेनुग्रीक सीड और करी पत्ता, इसकी जो सारे गुडनेस है ये पानी के अंदर आ जाएगा। और जब हम इस पानी को यूज़ करेंगे ये हमारी स्कैल्प में बहुत ही अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होगा और हमारी बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो गाइस इसको बॉयल करना बहुत ही ज़रूरी है। बालों की समस्याएं हर किसी को होती है, लंबे काले घने और चमकदार बाल किसे अच्छे नहीं लगते, हर किसी को अच्छे लगते हैं। पर इस चक्कर में हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी ख़राब चीज़ें हम लगा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल अच्छा क्या होंगे उससे कहीं ज़्यादा बुरा भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बॉयल हो जाने के बाद इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है ये कैसा बना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको क्या करेंगे ना हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो जाने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद ले रही हूँ। ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो पाया और फिर से मैंने सूट कर लिया। तो क्या करना है, आपको एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में छान लिया है और ये बहुत ज़्यादा हो गया था इसीलिए मैंने नेक्स्ट बाउल लिया है। इसका जो बाकी चीज़ें, बाकी जो पानी बचा था, जो सीरम बचा था, उसको मैंने एक अदर बाउल में स्ट्रेन कर लिया है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा बना है, ये 1 महीने के लिए आराम से चल जाएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। तो आपको क्या करना है, जो बाकी का है उसको आपको फ्रिज में स्टोर करके रख लेना है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा 1 महीना तक। जितना आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसी में आपको क्या करना है, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मस्टर्ड ऑयल, आप देख सकते हैं, जिसको आप सरसों का तेल भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जितना यूज़ करना चाहते हैं उसी में आपको क्या करना है, 1 चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल डाल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मस्टर्ड ऑयल हम सदियों से यूज़ करते आए हैं, तब से यूज़ करते आए हैं जब से ये बाकी जो ऑयल वगैरह ये सब निकले ही नहीं थे। तब तो क्या होता था ना, सरसों का तेल हर कोई यूज़ करता था, तब तो हर किसी को बालों की समस्याएं दिखने को ही नहीं मिलती थी। बाल जो था हमारा काला, घना और मज़बूत हो आ रखा था। अभी बेकार की चीज़ें लगाने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं ना, बालों को अच्छा करने के लिए ये चीज़ वो चीज़ कहीं से देख लिया तो वो यूज़ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे सोच के ले आते हैं, बट रिज़ल्ट क्या होता है ना, और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप जितना आपने बनाया है उसको डाल लेना है आपको एक स्प्रे बोतल में। आप स्प्रे बोतल आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी कॉस्मेटिक स्टोर से या फिर कोई आप रोज़ वाटर वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ की जो स्प्रे बोतल होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको स्प्रे बोतल में पूरा डाल लेना है। और डालने के बाद गाइज इसको आपको आखिर लगाना कैसे है, आपको क्या करना है, इसकी स्प्रे जो स्प्रे बोतल में आपने जो डाला हुआ है इसको सबसे पहले अपने स्कैल्प में इसको मसाज करना है, आपकी हेयर रूट में इसको स्प्रे करना है। स्प्रे हो जाने के बाद आप अपनी फिंगर की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाज करिए, ज़्यादा रगड़िए मत, हल्का हल्का मसाज दीजिए अपने स्कैल्प को। और मसाज हो जाने के बाद इसको 1 घंटा अपने बालों पे लगे रहने दीजिए, 1 घंटा अपने बालों पे रहने दीजिए। क्योंकि 1 घंटा रहने के बाद क्या होगा ना, ये जो हेयर टॉनिक है, ये जो हेयर सीरम है, ये हमारी जो स्कैल्प है उसके अंदर चला जाएगा और अंदर से हमारी हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। और 1 घंटे बाद आप अपने रेगुलर शैम्पू से इसको वॉश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप 2 से 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। और एक बार करके देखिए गाइस, इतना इफ़ेक्टिव है ना, अब मार्केट वाला चीज़ पूरा भूल जाओगे, ये 100% इफ़ेक्टिव सीरम है। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय।